ये बीजेपी के विरोध को जी, और जो कांग्रेस पार्टी को वोट मिलेंगे जी। यहाँ अगर कोई भी नुमाइंदा होता वो भी इतने भारी मतों से जीतता। यानी कि जीत पक्की मान के चल रहे हो? निसंदेह। मेरे लोगों से बातचीत हुई है, वो कह रहे जी फाइट में अभी यहाँ का। जब कांग्रेस फाइट में दिखती है तो हमेशा बहुत आगे मिलती है आपको। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल हिसार लोकसभा के दौरे पर हैं। मेरे साथ हैं हरियाणा किसान कांग्रेस के स्टेट कोऑर्डिनेटर रणदीप सारण जी। इनसे बात करेंगे हिसार लोकसभा का मूड क्या है। जी रणदीप जी नमस्कार। जी नमस्कार। बताओ आपकी दर्शकों को मेरी तरफ से आपका नमस्कार, हार्दिक। आपकी पार्टी से जयप्रकाश यहाँ उम्मीदवार बनाए हैं जी, और वो मजबूत दावेदार नहीं थे, उनसे पहले ब्रजेंद्र का बड़ा नाम पक्का चल रहा था, चंद्रमोहन का नाम चला, जेपी को टिकट मिली, क्या माहौल आपको लग रहा है? माहौल बीजेपी के खिलाफ का माहौल है, पूरे प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे देश में। आप जाओगे, आप केरल से लेके ऊपर जम्मू कश्मीर तक जाइए, पूरा बीजेपी साफ मिलेगी आपको जी। जी नहीं, ये तो 400 पार करें पूरे देश में तो मोदी जी सपने में है ना। ये हरियाणा में 83 पार का नारा भी लगाया था, 75 पार का, 83 के 75 के बाद फिर उनकी 83 पार भी आई थी, एक स्टेटमेंट आई थी कोई। यस, और 83 को डिवाइडेड बाई 2 जी, और उससे भी नीचे। हाँ, अब आप अंदाजा लगा सकते हो 40 पे अटके थे। यस, तो क्या हिसार में क्या मुद्दे हैं, क्या जैसे अब देखो यहाँ से ब्रजेंद्र सिंह थे वो सिटिंग एमपी थे, बीजेपी में थे, वो भी कांग्रेस में आ गए हैं, उनके वापस कांग्रेस में आने से क्या मजबूती मिलेगी पार्टी को? निसंदेह कांग्रेस के अंदर जो भी कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता जुड़ेगा, हर कार्यकर्ता से मजबूती मिलती है। अच्छा, दो चीज़ें यहाँ हिसार लोकसभा में देखने को मिल रही हैं। रणजीत सिंह को कुलदीप बिश्नोई के सहारे की जरूरत है, जेपी को वीरेंद्र सिंह के समर्थन की जरूरत है। अब दोनों की नज़रें इस बात पे हैं कि कुलदीप कितना साथ रणजीत का देंगे और वीरेंद्र सिंह कितना साथ जेपी का देंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने स्पष्ट कहा है कि जो मेरे से मदद मांगेगा, हाँ, मैं उसकी मदद के लिए पूरे हरियाणा ही नहीं अपितु पूरे देश में जाऊंगा। अच्छा, रही बात कुलदीप जी की, तो कुलदीप जी की जब नॉमिनेशन फाइल था तो मुझे लगा कि वहाँ जो शीर्ष नेतृत्व था बीजेपी का जी, चाहे हमारे ब्राह्मण नेता पंडित रामलीला शर्मा जी थे, चाहे कुलदीप जी थे, वहाँ सब नदारद थे जी, उनको तो अंदर घुसने तक नहीं दिया। बिल्कुल, हाँ, ऐसा आलम हमें देखने को मिला। रामलीला शर्मा जी बड़े नाराज भी दिखे एक वीडियो में। देखो नाराजगी उनकी जायज है, जब इस हरियाणा में बीजेपी को कोई जानता नहीं था उस वक्त वो अपने खून से उस पार्टी को सींचते थे। बिल्कुल, और आज जब मलाई खाने का टाइम है तो उनको नदारद कर दिया गया जी। क्या ब्राह्मणों ने इस योजना में अहम रोल नहीं प्ले किया? बिल्कुल, तो लेकिन अभी एक और चीज़ है जो नवीन जिंदल बीजेपी में आए हैं कांग्रेस छोड़कर, और हिसार उनका गढ़ रहा है, उनकी माताजी यहाँ से विधायक रहे, उनके पिताजी यहाँ से विधायक रहे, तो उसका एक आना तो बीजेपी को मजबूती देगा हिसार में। नहीं, गढ़ नहीं रहा था, सावित्री जिंदल जी भी हार गए थे, उसके बाद से वो लगातार राजनीति से दूरी बनाए हुए थे, और राजनीति में ऐसा होता है कि अगर आप कार्यकर्ता के संपर्क में नहीं रहोगे तो कार्यकर्ता अपना दूसरा घर ढूंढ लेगा। नहीं, बहुत सारा एक वोट बैंक तो बड़ा उनका जो कर्मचारियों का भी है, कई एक कर्मचारी कभी किसी कहने से वोट नहीं देता। अच्छा, हरियाणा सरकार के कर्मचारी क्या हरियाणा सरकार के कहने से वोट देंगे? ऐसा नहीं देंगे, जो वो काम करते हैं उसके बदले में, वो तनख्वाह जो देते हैं उसके बदले में वो काम लेते हैं। नहीं, महाजन बिरादरी में और भी उनका असर तो रसूख तो है। नहीं 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 नहीं, अब नहीं रहा। अच्छा, पहले था। तो देखो पिछले हम चुनाव में हम देखें और हिसार और हांसी ये दो बड़े ऐसे हलके हैं जहां से बीजेपी को अच्छी खासी लीड मिली थी, इस बार आप लोग कांग्रेस के लिए यहां कैसा देख रहे हैं? हम बहुत अच्छा देख रहे हैं जी, बीजेपी का विरोधी लहर है केजरीवाल जी के कारण, केजरीवाल की गिरफ्तारी के कारण जी, जी। पूरा महाजन समाज में रोष है, ये तो धक्काशाही हो रही है जी। आज तक सुप्रीम कोर्ट तो ये पूछ रहा है ईडी से कि भाई इसका कसूर क्या है, और ईडी बता ही नहीं पा रही। ईडी जाती है मोदी साहब से पूछने कि जी क्या कसूर बताएं, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है जी। इस वजह से पूरे देश के व्यापारियों में रोष है, महाजन परिवार में खास तौर पे। अच्छा, एक और बातें बहुत चल रही हैं कि बीजेपी में इसमें कांग्रेस में तो फूट है, शैलजा गुट है, रणदीप है, किरण है, वीरेंद्र है, हुड्डा है, और ये गुटबाजी आपस में एक दूसरे को फिर नुकसान करेगी। श्रीमती सोनिया गांधी, आदरणीय खड़गे जी और राहुल जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एक है जी, और जैसे ही नतीजे आएंगे आपको खुद महसूस होगा। आप हिसार लोकसभा के कितने गाँव में कहाँ कहाँ घूमे हो अभी तक?
मैं नारनौंद हल्का, आदमपुर हल्का, उचाणा हल्का, तीन हल्कों में मैं लगभग हर गांव में गया हूं, और वहां जो लोगों का जोश था वो देखते ही बनता था जी। 25 मई को एक उत्सव की तरह ले रहे हैं लोग, और लोग ढोल नगाड़ों के साथ पोलिंग करके आएंगे, और इस खट्टर और सैनी और मोदी सरकार को चलने का चलता करने का। आपने कहा कि आदमपुर में भी मॉल था, आदमपुर में किस तरह का मॉल है? बहुत शानदार। रणजीत का कहाँ, कोई नाम लेने वाला नहीं मिल रहा? नहीं, कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई रैली में तो साथ आए थे उनके। अरे उसके बाद कहाँ थे? उसके बाद दिखे आपको कहीं? नॉमिनेशन में तो नहीं थे, लेकिन नॉमिनेशन में नहीं थे, कहीं आपने प्रचार करते हुए देखा हो तो बताओ मुझे, कभी देखा हो तो। इसका मैंने बेनिफिट यानी आपकी पार्टी को मिलने जा रहा है? नहीं, बेनिफिट नहीं है ये, वो नाराज है तो उनके कारण है जी, लेकिन लोगों में बीजेपी का विरोध इतना है जी कि लोग देखना ही नहीं चाह रहे, बात ही नहीं करना चाह रहे। जयप्रकाश को लेकर भी तो लोगों में नाराजगी है कि ये तो थापी मारनिया है, इस तरह की बातें कही हैं। ये बीजेपी के विरोध को जी, और जो कांग्रेस पार्टी को वोट मिलेंगे जी, यहाँ अगर कोई भी नुमाइंदा होता वो भी इतने भारी मतों से जीतता। यानी कि जीत पक्की मान के चल रहे हो? निसंदेह। मेरे लोगों से बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं जी फाइट पे अभी यहाँ का। जब कांग्रेस फाइट में दिखती है तो हमेशा बहुत आगे मिलती है आपको। चलो बहुत धन्यवाद। और ये थे हरियाणा किसान कांग्रेस सेल के स्टेट कोऑर्डिनेटर रणदीप सारण जी, और इन्होंने तो बड़ा मजबूत दावा किया है कि हिसार से हम जीत रहे हैं, लेकिन होता क्या है ये 25 मई को पता चलेगा, और रिजल्ट हमें पता चलेगा 4 जून को। मैं आपका दोस्त करमपाल, पड़ताल टीवी पर बने रहें, धन्यवाद।